पिता का स्कूल छोड़ हीरो बनने चले थे राजकुमार हिरानी, बीच में ही कोर्स बदल बन गए निर्देशक। राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के उन निर्देशकों में गिने जाते हैं जिनकी बनाई हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। उन्होंने अभी तक कुल 5 फिल्मों का निर्देशन किया है। इन 5 फिल्मों ने न केवल दर्शकों के दिलों की जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े। राजकुमार हिरानी ने बहुतों को फिल्म निर्देशन की परिभाषा सिखाई। उनकी बनाई हर फिल्म ने नए रिकॉर्ड बना दिए। वह 20 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। राजकुमार हिरानी के पिता सिंध, अब पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो कि एक टाइपिंग स्कूल चलाते थे। वो बंटवारे के बाद भारत आ गए, लेकिन राजकुमार हिरानी ने पापा का काम न कर कुछ बड़ा करने की ठानी हुई थी। थिएटर की तरफ उनका रुझान हुआ। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में दाखिला लिया हीरो बनने के इरादे से, लेकिन पढ़ते हुए ही इरादा बदल गया और वो कोर्स बदल निर्देशन में आ गए। 1993 में फिल्मों की तरफ रुख किया। वो विज्ञापनों के लिए काम करते रहे। 1994 में 1942 से लव स्टोरी और 1998 में करीब के प्रोमो के लिए काम किया। 2000 में मिशन कश्मीर और 2001 में तेरे लिए के लिए एडिटिंग की, लेकिन उनका असली सफर 2003 में शुरू हुआ। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म मुना भाई MBBS आई। संजय दत्त और अरशद वारसी की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। राजकुमार हिरानी पहली ही फिल्म से छा गए। उनकी इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। 3 साल बाद 2006 में राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई MBBS का अगला भाग लगे रहो मुन्ना भाई लेकर आए। एक बार फिर संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी आई और राजकुमार हिरानी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ये फिल्म मुन्ना भाई MBBS से भी बहुत ज्यादा हिट हुई। इसके बाद राजकुमार हिरानी 3 साल बाद लौटे और साल 2009 में फिल्म 3 इडियट्स लेकर आए। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़े और समीक्षकों ने भी खूब सराहा। 3 इडियट्स के बाद राजकुमार हिरानी ने अपने चाहने वालों को लंबा इंतजार कराया। वो 5 साल के बाद 2014 में PK लेकर आए। फिल्म ने कमाई के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए। फिल्म को खूब सराहा गया।